ये तीन विशेषताएं जिस बाजार में पाई जाती हैं उसको विशुद्ध प्रतियोगिता बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विशुद्ध प्रतियोगिता। इसके अलावा जो नीचे वाली जो विशेषताएं हैं यदि ये भी पाई जाए तो वह बाजार पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहा जाता है। चौथी विशेषता, क्रेता या विक्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी उद्योगों के बीच साधनों की पूर्ण गतिशीलता हो, यदि ये छह शर्तें पूरी होती हैं तो ऐसे बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की छह विशेषताएं कि जिसमें बहुत क्रेता और विक्रेता हो, जो वस्तु को बेच रहे हैं जितने भी विक्रेता वो गुणात्मक रूप से समान हो, एक जैसे हो, उद्योग में कोई भी नई फर्म आना चाहे आ सकती है, जो फर्म पहले से काम कर रही है यदि छोड़ करके जाना चाहे तो जा सकती है। इसका मतलब फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की जिसमें स्वतंत्रता हो। क्रेता और विक्रेताओं को पूर्ण जानकारी, बाजार की स्थिति क्या है, कीमत क्या है, ये बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को जो उन्हें ज्ञात हो। उद्योगों में साधनों की पूर्ण गतिशीलता, इसका मतलब श्रम पूंजी, यदि जो है ना एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाना चाहे तो वो जा सके, और यातायात लागत नहीं हो जिससे कि कीमतों में अंतर नहीं हो। यदि ये छह विशेषताएं पाई जाती हैं तो ऐसे बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। अब इन विशेषताओं में मुख्य चीज क्या निकल रही है, क्या इसमें जो निहित है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो हमें किस तरह का बाजार होता है, तो अंतर निहित है इसमें क्या इंप्लाइड है कि जब बेचने वाले बहुत सारे हैं और खरीदने वाले बहुत सारे हैं तो कोई भी एक क्रेता या विक्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। एक क्रेता और विक्रेता, एक क्रेता या